हेलो हेलो गाइस, कैसे हो एंड वेलकम बैक टू इंडियन गर्ल इन यूरोप। हेलो, हाँ खुशी, मैं ना 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। 5 मिनट में? ठीक है ठीक है, तो भाई जल्दी से मैं ये खा लेती हूँ, 5 मिनट में पहुंचेगी। और तो हाँ, आज मैं व्लॉग कर रही हूँ इंडियन गर्ल इन यूरोप के चैनल पे और आप लोगों को बहुत सारे लोगों से मिलवाती हूँ। कहीं जा रही हूँ, दीपक नहीं है, दीपक US में है। तो चलो मैं जल्दी से खा भी लेती हूँ क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, तो वो भी खा लेती हूँ और निकल रही हूँ और आप लोगों को मिलवाती हूँ। और हम लोग ग्रिल पार्टी करने वाले हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो चलो गाइज मेरे साथ, अभी मैं थोड़ा थकी रही हूँ, बाय बाय, मिलते हैं वहीं पर। तो देखो, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि हम किसी से मिल रहे हैं, तो खुशी इज हाय एंड अभी हम क्या करने वाले हैं खुशी? तो खुशी, लेट्स सी क्या करने वाले हैं। मतलब मुझे लेने आ गई, दीपक नहीं है एंड मैं इतनी खुश हो गई, नहीं तो मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना बहुत ही दिक्कत लगता है, आलस आता है, बहुत आलस आता है, ऐसा लगता है कि नहीं ही जाते हैं फिर। True. तो हम लोग ग्रिल पार्टी कर रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, तो इसके घर पर करने वाले हैं। मैंने इसने में हमारा घर ऑलरेडी देख लिया है, तो जल्दी शायद ये हमारे घर पर भी मिलेगी। हाँ, और तुम ये बताओ कि कैसी होगी तुम्हारे यहाँ पार्टी? Let's see, या देखते हैं। पता है एक्चुअली ना वेदर फोरकास्ट के हिसाब से रेन दिखा रहा है, तो रेन ना हो जाए बस, अब मैं चाहती हूँ। नहीं, वो मुझे तो दिख रहा था सही मौसम, 4 बजे बारिश दिखा रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो मैं अपना मोटा जैकेट भी लेके आई हूँ इनकेस अगर मौसम खराब हुआ तो। फिर अब मैं इससे बात कर लेती हूँ क्योंकि मैंने सीधे घुसते से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, इससे बात भी नहीं करी, तो अब मैं इससे बात करूंगी। अरे पता नहीं ना, मतलब यहाँ पे लोगों को लगता है कि मेरे को बहुत जरूरत आती है क्योंकि मैं पूरा प्रिटेंड ऐसे करूंगी, मुझे आती है, तो मुझे आती नहीं असल। हम इसके घर पहुंच गए, ऐसा लग रहा है गांव वाँव में आ गए। हर इंडियन की परेशानी ये यहाँ रह रही है, धनिया हरी मिर्च लेने 20 किलोमीटर दूर गए थे। हाँ ठीक है, अभी हम लोग ना इसका थोड़ा पीछे का, घर के पीछे का, और ये कितना रॉ लग रहा है यार, वाओ। तो हम लोग आपको थोड़ा टूर देते हैं यहाँ का। खुशी के वीडियोस भी देखना भाई, ये रिपोर्टर है। बताती हूँ, हम लोग रहते हैं स्टार्नबर्ग डिस्ट्रिक्ट में। जर्मनी का सबसे महंगा डिस्ट्रिक्ट भाई ये, मतलब तुम सबसे ग्रीन। तुम ये सोचो डिस्ट्रिक्ट की कोई बात कर रहा है, तो मैं तो इसी के लिए बहुत ही, मतलब हम सिर्फ स्टेट की बात करते हैं, सॉरी। इंडियन गर्ल इन यूरोप में सिर्फ हम स्टेट की बात। मैं तुम्हें रिकॉर्ड, देखो पतली पतली स्ट्रीट, घर, और ये गांव लग रहा है, ये देखो घर, देखो, देखो। हाँ घर देखो तुम, ये प्रॉपर सारा स्ट्रीट्स देखो, मुझे तो गांव में नहीं लग रहा। खुशी हम ऐसा कर सकते हैं अपने लोग? नहीं, हम अपने घर के बाहर ऐसे रख सकते हैं सामान। अच्छा, इंडिया में? हाँ। चुरी जाएगा। अरे यहाँ पे तो हमारा रेजन मेयर घास काटता है, वो बाहर ही पड़ा रहता है, पूरा गार्डन फर्नीचर बाहर पड़ा। हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं छूटता। ये भी कितने सुंदर घर, ये तो बहुत ही अच्छे घर है यार। तो अभी हमने घूम लिया, मुझे बहुत सुंदर लगा, तो मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली यहाँ आती रहूंगी। यहाँ पे ना जनरली मतलब लोग गांव में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि थोड़ा पीसफुल लाइफ है, भागा दौड़ी नहीं है। हाँ, शांति भी है, अच्छा भी है, घर भी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि सिटीज में आपको पता नहीं कौन से फ्लोर पे कहाँ छोटे से घर मिलेंगे, तो बहुत ही तो मजा है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है, वीडियो जरूर बताना कैसे हमारी जो छोटी मोटी खट्टी मीठी बातें हैं वो कैसी लग रही है। खुशी इज हियर, अब तो रेडी होके आ गई है। हाँ, अपने चैनल का नाम बताओ। हाय, तो मेरे चैनल का नाम है देसी फिरंगी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, डाला तो हाँ। तो अरे बिल्कुल डाल दूंगी यार, ये देखो, ये मतलब ये था ताना, यू नो सरकास्म और ताना, तो मैं डाल दूंगी। तो आज हम लोग बहुत ही खतरनाक वाली पार्टी कर रहे हैं, सब मुझे लग रहा है, फील हो रहा है। हाँ, हम लोग ने कल बात करी रात में और सुबह मैं यहाँ पर बैठी हूँ। आप देखो कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, और एक्चुअली इससे ये पता चलता है कि जो इंडियंस है ना वो कितने ज्यादा फ्रेंडली लोग हैं एक्चुअली। और इससे बात करके तो मुझे एक्चुअली लगा शी इज लाइक आ जाए यार, और खाने का भी खा ले यार, ये तो खा ही लेंगे। बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो अब तो मैं ये भी वेट कर रही हूँ कि जब दीपक आए तो दीपक भी तुम। हाँ, सब लोगों से मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ। तो वो, और चलो फिर हम लोग करते हैं, हम ज्यादा मजे खराब नहीं करते इन सब के ब्लॉग करके, तो अब हम एंजॉय करेंगे बाहर जाके। अल्कोहलिक है, मुझे ऐसा लग रहा है, कोको कोला पी रही है। और अभी इसके बारे में एक बात पता चली है कि ये News 24 है ना, मैं News 24 में थी पहले, उसके बाद रिपोर्टर थी, बिजनेस बीट कवर करती थी, उसके बाद मैं इंडिया न्यूज में गई जहाँ पे मैं क्राइम कवर करती थी, ठीक है।
और उसके बाद मतलब सबसे लंबा टाइम मैंने इंडिया न्यूज़ में निकाला. उसके बाद मैं आउटलुक अगर आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत फेमस मैगजीन है इंडिया की, मैंने आउटलुक में काम किया. उसके बाद मैं यूके चली गई. तो तुम मतलब टीवी पे आती थी न्यूज़? हाँ, रिपोर्टर थी ना. तुम मतलब ऐसे बैठ के और रिपोर्टिंग करती थी? नहीं, फील्ड में. मैं रिपोर्टर थी, एंकर नहीं थी. अच्छा, तो एंकर तुम जाके स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं. अच्छा, जैसे अभी यूक्रेन, जैसे यूक्रेन में जो आए हुए मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए. मतलब अगर तुम इंडिया में होती तो शायद यूक्रेन भी जाती. आज मैं बल्कि इसी बारे में पता डिस्कस कर रही थी अपने दोस्तों से, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे तेरा घर कितना दूर है कीव से. मैंने बोला यार वो तो दूर है, पोलैंड के पास बर्लिन है. तो बोलते अरे यार हम मिल लेते. तो मैंने कहा अरे यार काश मैं इंडिया में होती तो मैं अभी कीव गई. वाह यार, मतलब ये चीज अभी जब मैंने इससे बात करी, ये मुझे अपने बारे में बता रही है, तब जाके पता चला कि ये मतलब रिपोर्टिंग करती थी. और मैं पहली बार किसी ऐसे पर्सन से मिल रही हूँ. थोड़ा सा क्लिप जो है वो मैं डाल दूंगी. ही मेंटल था जिसने गैंग रेप की पीड़ित लड़की और उसके दोस्त को बस के नीचे कुचलकर मारने की कोशिश की. इसने साफ साफ कहा था कि इसे गैंग रेप पर कोई पछतावा नहीं. और किसी को बस फनी होगी वो, क्योंकि बहुत पुरानी क्लिप होगी. थोड़ा क्या बोलते हैं आप लोग, थोड़ा इससे रिपोर्टिंग कराएंगे क्या? एक काम करते हैं, अभी की घटना जो यहाँ चल रही है पीछे, उसके बारे में रिपोर्टिंग करा दें. 1, 2, 3 अब ये रिपोर्टिंग करना. अभी आज यहाँ पर जो तापमान है वो लगभग 15 डिग्री है और काफी सनी वेदर है, इसलिए चश्मा भी पहना है. लेकिन बारिश के आसार नजर आ रहे हैं. पीछे हमारे दोस्त बारबेक्यू कर रहे हैं और क्योंकि हम जर्मनी में हैं तो जर्मनी में भाई बियर के बिना तो कुछ होता नहीं है. तो यहाँ पर होगा बारबेक्यू, बियर, दारू, ये लोग पियेंगे, हम नहीं. ये मैंने कितने गंदे लोग और की मैंने पकड़ रखी है आपको बताने के लिए कि जर्मनी इज फेमस फॉर बियर. तो यहाँ पर अभी थोड़ी मस्ती होगी, थोड़े मजे होंगे. आपको हम पल पल की घटना की जानकारी देते रहेंगे और आप बने रहिए हमारे साथ. तो कैमरा पर्सन सुरभि के थोड़ा हमें कंटेंट भी तो दे दो यार, जैसा जैसा कंटेंट आज तक में होता है वो भी तो दो. आज तक वाला कंटेंट तो यार मैं मतलब बहुत खतरनाक. देखिए हमारे पीछे ओह माय गॉड, आई एंजॉयड विद हर. अब मैं इससे जब मिलूंगी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वो इससे रिलेटेड, रिपोर्टिंग वाला जो एकदम जो प्रॉपर कंटेंट होता है, हम तो वो आएगा. What's this, Alex? Alex, what's this? Saloon. No. Saloon? Hey. Hello. Wow. Welcome. Wow. अब थोड़ा धूप आया. धूप आ गई. ये लोग जो हैं ये ग्रिल कर रहे हैं. रिब्स मत दिखा दे. गौर से देखिए इस इंसान. देखिए हमारा पनीर. पनीर टूट रहा है यार. ये क्या फालतू में तुम गरम कर रही है. अभी तो खाएंगे, अंत में ऐसे ही खाएंगे. ये हर नॉन वेजिटेरियन इंसान ऐसे ही बोलता है, वेजिटेरियन चीज फालतू है. मतलब तुम हमें गरीब मानते हो. हाँ तो ना अभी खुशी के जो हस्बैंड है वो IIT खड़गपुर से पास आउट है, पर मैं नाम तो नहीं बताऊंगी आपको और शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी. पर मैं ये बता रही हूँ कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने मिल रही है. कभी जब ये लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे हमारे व्लॉग्स में तब हम सारी स्टोरी सुनाएंगे. और फ्लाइंग बीज जो है वो भी इनका सीनियर था, राइट खुशी? है ना? तो सीनियर था तो मतलब इतनी अच्छी, एक तो बिकॉज ऑफ यूट्यूब फील्ड इतना अच्छा लग रहा है सुन के. ओके, बहुत ही फेमस यूट्यूबर को भी कोई जानता है, प्लस जीतू भैया तो सभी जानते हैं, वो भी इनके जूनियर थे. बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है बातें सुनने में. खुशी से मैं सारी बातें सुन रही हूँ. इनकेस अगर ये लोग कभी जिंदगी में कंफर्टेबल हुए तो इन्हीं के मुँह से सुनेंगे सारी स्टोरी. बहुत ठंड हो गई है और हम लोग अभी भी पार्टी कर रहे हैं. थोड़ा सा चल रहा है तो फोन ही नहीं है. बहुत ही ज़्यादा बात कर रहे हैं और जैसा कि पीछे सुनाई दे रहा है कि हम बहुत, और कल हम लोग बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं. मतलब आज तो जो एक्साइटिंग चल रहा है ज़िंदगी में वो चल ही रहा है और कल भी बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो जो है वो मतलब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा. तो हाँ भाई, लैम जो भी बोलते हैं वो बहुत पास है. अब भाई निकलने का टाइम हो गया, बहुत रात हो गई भाई, 9 बज गए. हमारे घर में ना घड़ी नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर घड़ी आपके घर में होती है तो लोग घड़ी की तरफ देखते हैं और जल्दी जाने की कोशिश करते हैं. नहीं, हाँ यार ये तो मैंने नोटिस ही नहीं करी. तो बहुत टाइम हो गया, मैं जब से ट्रेन का टाइम देख रही हूँ. इसके फ्रेंड्स जो है वो लोग वहीं जा रहे हैं तो ये लोग छोड़ देंगे. तो सी यू नेक्स्ट टाइम. बहुत ही मजा आया यार, बहुत मजा आया. या सेम हियर, है ना? और आप लोगों को कितना मजा आया कमेंट करके बताना. हाँ, और इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मिल जाए तो. सो गाइज, अभी उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया है और हम लोग जा रहे हैं. मैं व्लॉग नहीं कर पाई तो मैं अब जा रही हूँ
और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं नेक्स्ट व्लॉग में।